गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे आयत के परिमाप का सूत्र मालूम करना, फार्मूला मालूम करना। लेकिन आयत के परिमाप पर जाने से पहले हमें समझना होगा परिमाप को और परिमाप किसे कहते हैं, यह सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो परिमाप किसे कहते हैं? किसी भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति के चारों ओर की जो लंबाई है वह कहलाती है परिमाप। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक बंद आकृति है और इसके जो चारों ओर की यह जो लंबाई है, कुल लंबाई, यह होगा परिमाप। कोई भी आकृति हो सकता है इस तरह से, वह होना चाहिए बंद, ठीक है। या इस तरह से एक तालाब हो सकता है, या हम जैसे मालूम कर रहे हैं यह आयत हो सकता है। तो इसके जो चारों ओर की जो कुल लंबाई है वह कहलाएगा परिमाप, ठीक है। तो अब हम आते हैं आयत पर। आयत का परिमाप किसे कहेंगे? आयत का परिमाप होगा आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़। आयत की चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़। जैसे यह आयत है, यहाँ एक और बना लेते हैं इस तरह से। यह एक आयत है और इसकी चारों जो भुजा है, 1, 2, 3, 4, इन चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसको जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा आयत का परिमाप, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फार्मूला निकालने की, कि आयत के परिमाप का जो फार्मूला है वह क्या होगा। आप ध्यान रखिए, किसी भी फार्मूले को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे आसान तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि आयत के चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़, तो जैसे आयत में यह होगा लंबाई और यह भी होगा लंबाई, यह होगा चौड़ाई और यह भी होगा चौड़ाई। चार भुजा है, ठीक है। और इन चारों लंबाई को हम जोड़ लेते हैं। अब यह भी जानते हैं कि आयत क्या होता है। आयत में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब लंबाई लंबाई एक समान, चौड़ाई चौड़ाई एक समान, और साथ ही जो चारों कोण हैं वह समकोण होते हैं। तो हम परिमाप निकालने के लिए उसकी चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो पहला है लंबाई धन यह चौड़ाई, फिर लंबाई और आगे फिर चौड़ाई। या अगर इनको जोड़ लें तो आयत का परिमाप मालूम हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास लंबाई कितने बार आया, 2 बार, और जो लंबाई है वो एक समान है। तो 2 बार लंबाई को जोड़ रहे हैं, मतलब हम उसे लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई, लंबाई का 2 बार जोड़, या 2 गुणा लंबाई। धन चौड़ाई भी 2 बार आया है और चौड़ाई भी एक समान है, तो इसे भी हम कह सकते हैं 2 गुणा चौड़ाई। अब देखिए इसमें दोनों जगह 2-2 का गुणा हुआ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उसे हम निकाल भी सकते हैं। 2 को बाहर कीजिए और यहां लंबाई गुड़ लंबाई धन चौड़ाई, यह होगा आयत का परिमाप का फार्मूला, ठीक है। 2 गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, या वह याद नहीं आ रहा तो यह कीजिए 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का जो फार्मूला है उसे आप आसानी से इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको आयत का परिमाप मालूम करना है और फार्मूला याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई चारों को हम जोड़ लेंगे। जैसे यहां हमने किया है लंबाई धन चौड़ाई, धन लंबाई धन चौड़ाई, और चारों को जोड़ने पर हमें परिमाप मालूम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।